दिस इज सुप्रिया अद्देपल्ली और ये वीडियो जो है रिश्तों पर है, रिलेशनशिप्स, स्पाउस, कपल रिलेशनशिप्स के ऊपर। जैसे ये शब्द सुनते हैं बहुत भारी सा लगता है, क्योंकि इनको मेंटेन करना पड़ता है और मेंटेन करना सबसे भारी चीज़ लगती है इस रियलिटी में। मैं तनु विद मानु रिटर्न्स का एक बहुत ही प्यारा सा कॉमेडी सीन देख रही थी, जिसमें माधवन और कंगना जो है, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स साइकियाट्रिस्ट, एंड कंगना 4 साल की शादी के बाद अपना पूरा जो है वेंटिंग आउट कर रही है अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि कैसे उसकी ज़िंदगी जो है अब तिलंडी हो गई है, ज़िंदगी झंड पड़ गई है, और देर इज़ नो रस इन द मैरिज, देर इज़ नो सेक्स लाइफ इन द मैरिज। और माधवन बेचारा वहाँ कह रहा है कि मैं संतरा नहीं हूँ कि मैं इसे मुझमें रस हो। आई कैन से आई लव यू इन ओनली वन वे, मैं हर रोज़ अलग अलग तरीके से नहीं कह सकता हूँ। सो वॉट इफ दिस एक्चुअली इज़ अ सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ द कपल्स। शायद आप उसमें नहीं हैं, आई एम श्योर आप उसमें नहीं हैं, पर फिर भी मोस्ट ऑफ द कपल्स आई थिंक उसी बोट में सेल करते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, जब आप अपने सिग्निफिकेंट उससे पहली बार मिले थे, और वो नज़रें जो चुरा चुरा के देखती थी, और आंखों का वो इशारा जो फिल्मों में बहुत फेमस है, दिल में धक धक करता था, और ज़िंदगी जो है पूरी नूरानी दिखती थी, और उनकी एक नज़र के लिए आप सारा दिन शायद इंतज़ार करते रहते हैं। तो थोड़ा सा उन पलों को याद करते हैं और थोड़ा गुनगुना लेते हैं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जावलझे, कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिर है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाल छे। सो उलझ गए हैं फाइनली। तो अब पास्ट से जो है थोड़ा प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ जिंदगी जो है 99 के फेरे में बटी हुई है, और इट्स अ रूटीन लाइफ, किड्स, स्कूल्स, मेंटेनेंस, यू नो, घर, जो सोसाइटी है, सब कुछ हमको सिर्फ मेंटेन करना पड़ता है। और जो रिश्ता तब का था, अब जो है वो प्रायोरिटी में भी पीछे चला गया है। ज़िंदगी की भाग दौड़ जो है वो प्रायोरिटी में आगे आ गई है। तो यहाँ पर वो जो नोक झोंक जो बहुत प्यारी लगती थी, अब वही जो मीठी सी जो डिफरेंसेस थी, राई का पहाड़ बन जाती हैं, और इट गोज फ्रॉम एक्स टू वाई टू जेड एंड बिकम्स अ वोल्केनो। और जब वो एरप्ट हो जाता है, तब बैठ के सोचते हैं कि शादी क्यों की मैंने, किस पागल ने बोला था मुझे शादी करने। और अगर माँ बाप ने शादी कराई है, तो एक दो अच्छी जो लाइनें होती है ना, उनको सुनाई देते हैं एवरी डे। तो अब क्या करें उन पलों के लिए जहाँ ये बेवकूफ़ी करती है, इसके लिए थोड़ा सा और देखते हैं। तू हो गजरा पागल, तूने मुझको है चुना। भाई मैं भी तो पागल ही थी, मैं थी जरा पागल, मैंने तुझको है चुना। कैसे कोई अनकहा, सब अनकहा सब सुना। तू हो गजरा पागल, तूने मुझको है चुना। अब क्या करें, शादी हो गई है, शादू का लड्डू खा के पछता रहे हैं। अब क्या करेंगे इस पछताने को, कुछ और करें। यू नो, थोड़ा सा जो है ये जो रिश्ता है, ये जो ब्यूटीफुल रिश्ता है, इसको थोड़ा सा आगे देके जाते हैं, प्रायोरिटी बेस में रखते हैं। शायद सारा दिन ना सही, दिन में 5 मिनट सही। एंड व्हाट कैन यू डू, यू नो, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा और रोमांटिक बनाया जाए,
what can I do actually to contribute to the marriage today, or to the spark, or to the to the significant other in your life. Actually, कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं होती है. It can be just a nazar, it can just be a wink, it can just be a gesture, it can just be a hug, or it can be anything you wish, whatever your mind says. So just add that spark in your life and just keep on asking these questions ki main kya kar sakta hu aaj. Shadi, marriage is a beautiful communion of two different beautiful people. और जो differences शुरू में बहुत अच्छी लगती थी, प्यारी लगती हैं, अब वही differences शायद खलती हैं और लगता है कि खोट दिया है किसी ने इस बंधन को. हमने जैसे सच्ची में जो है ना टाइट कर दिया है, उसको थोड़ा सा ढील देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और वो जो ब्रीथिंग स्पेस हम एक दूसरे को दें और अपने को भी मेंटेन कर पाए उसमें, आई थिंक दैट इज द ब्यूटिफुल पार्ट. पर और क्या कर सकते हैं इसमें, जस्ट बी इन क्वेश्चन कि हम क्या कर सकते हैं, हाउ डज एक्चुअली दिस गेट बेटर देन दिस. तो आगे देखते हैं फ्यूचर के लिए. अब डिफरेंसेस तो हैं, क्या करें, और अलग अलग हैं. तो आई कैन बी अ पिज्जा गर्ल एंड ही कैन बी अ उत्तपम बॉय, एंड आई कैन बी एक्चुअली टोटली इन अलाउंस व्हेन ही इज ईटिंग हिज उत्तपम, एंड आई कैन एंजॉय माई पिज्जा ऑल्सो. तो अगली चंद लाइनें उसके लिए. तू दिन सहे मैं रात आ दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. इस उलझने को जो है प्यारा सा उलझन बनाइए जिंदगी में, विथ लूज उलझन, डोंट मेक इट बंधन. सो जस्ट एंजॉय वेर एवर यू आर, इन वॉट एवर स्टेट ऑफ माइंड यू आर, इन वॉट एवर वेदर इट इज अ लिविंग रिलेशनशिप, वेदर इट इज मैरिज और वॉट एवर इट इज, जस्ट लर्न टू बी हैप्पी अराउंड इट. थैंक यू, बाय.